वेलकम टू बाजार 99 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसा ट्राइपॉड है जिसके साथ रिमोट कंट्रोल भी आता है, हैंगिंग हुक भी है, इसकी हाइट काफी ज्यादा है, काफी मजबूत और अच्छे मटेरियल से बना है, हर किस्म के मोबाइल के साथ सपोर्टेड है, कैमरा के साथ भी सपोर्टेड है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका गिव अवे भी करेंगे। आप में से किसी एक खुशनसीब को हम ये गिफ्ट करने वाले हैं। गिव अवे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए हम वीडियो के एंड में आपको सारी इंस्ट्रक्शन देंगे। उससे पहले हम अपने अनबॉक्सिंग टेबल पे जाके इसको अनबॉक्स करेंगे। अच्छा जी, हम आ गए हैं अपने अनबॉक्सिंग टेबल पे, इसको अनबॉक्स करेंगे। इसको साइड पे करते हैं थोड़ा सा और यहाँ से इसको खोलते हैं। खोलते ही सबसे पहले हमको एक तो ये एक थैला सा है और इसमें ये चीज़ें हैं, ये आपको दिखाती हैं। ये खाली बॉक्स है, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं और इसको पहले खोलेंगे। इसको खोलने के बाद हमें एक मिलता है अच्छा सा प्यारा सा मजबूत सा ट्राइपॉड। इसका मॉडल 3388 है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मटेरियल से बना है। मैं इसको पहले ही अनबॉक्स कर चुका हूँ, फिर से आपके सामने एक रवायती सी अनबॉक्सिंग हम करेंगे और दिखाएंगे ये किस तरह से काम करता है। ये है जी हमारा मेन यूनिट, इसका ये हमारे पास हमारा ट्राइपॉड है, इसका जो काफ़ी अच्छी किस्म के मटेरियल से बना हुआ है। ये इसके जो ये भी आपको बड़ी स्क्रीन करके अभी दिखाते हैं। ये नीचे हैंगिंग हुक है जिसके साथ अपनी कोई भी चीज़ आप लटका सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसका ये इस तरह का लगा हुआ, इसको जैसे घुमाते जाएंगे ये साइज़ में बड़ा होता जाएगा और इसको ऐसे वापस करके आप इसको फिर से नीचे कर सकते हैं। ये है जी हमारा ट्राइपॉड और जो लोग इसको यूज़ करते रहते हैं उनको पता है कि अगर इसको हम यहाँ से करते हैं तो यहाँ से इसको ऐसे ऐसे हम घुमा सकते हैं। इसके अलावा ये चीज़ होती है इसको ऐसे ऐसे करने के लिए, और इसके अलावा ये होता है इसको रोटेट करने के लिए। अगर कैमरे को आपने रोटेट करना है किसी भी पोजीशन में, वो आपको बड़ी स्क्रीन में इसकी सारी वो दिखाती हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं इसमें हमारे हमें चीज़ें कौन कौन सी मिली हैं। अच्छा जी, ये एक छोटा सा पैक है, इस पैक में क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये काफ़ी मजबूत किस्म का, इसमें मोबाइल को माउंट करते हैं, ये है जो इसके ऊपर इस तरह अटैच हो जाएगा और इसमें आप अपने मोबाइल को माउंट कर सकते हैं, कैमरा को इसके अंदर फिक्स कर सकते हैं, चाहे इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, इसको ऐसे या ऐसे जिस तरह भी आपको वीडियो शूट करनी रिक्वायर है उसी मुनासिबत से आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बॉक्स में एक रिमोट कंट्रोल है, ये देखें ये रिमोट कंट्रोल है, इसको ऑन करते हैं ये ब्लिंक होता है। ये रिचार्जेबल है, इसमें बैटरी है और इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए साथ में हमें मिली है एक पावर केबल जो इसको चार्ज करती है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें अब इसकी आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं, इसका रिव्यू करते हैं और इसको ऑपरेट करने का तरीका आपको दिखाते हैं। ये जो रिमोट है इसकी जगह यहाँ पे है, यहाँ पे ये बिल्कुल साथ फिक्स हो जाता है। ये है जी हमारा ट्राइपॉड, इसको जैसे ही ऐसे ऐसे करते हैं ये बड़ा होता जाता है, इस तरह करते हैं तो ये छोटा हो जाता है। तो ये इसकी जो हुक्स वगैरह हैं जो इसको ऐसे ओपन करते हम बड़ा कर लेंगे, शायद ये कैमरे में सही तरह से ना आए क्योंकि मैं जिस ट्राइपॉड पे अपना कैमरा रख के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, वो सही तरह से इसको कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ट्राइपॉड किस तरह काम करता है और इसके फीचर्स वगैरह क्या हैं। अच्छा जी, हमने इसको खोल दिया और खोलने के बाद यहाँ पे इतना बड़ा है, ये कैमरे में आ रहा है ये चीज़ आ रही। अच्छा, इसको हम जैसे ही इस हुक को ऐसे करते हैं तो अंदर से ये चीज़ निकलती है, इसको हम इसके साथ माउंट करते हैं ऐसे सामने से, इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको इसके ऊपर घुमा देंगे। घुमाने के बाद जहाँ पर भी आपने इसको लॉक करना होगा इसको लॉक कर देंगे, ये वाला पीछे से लॉक है छोटा सा, इसको लॉक कर देंगे, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। बाद में इसको ऐसे कर देंगे और ऐसे ही इस लॉक के साथ इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से ऐसे करके बीच में ये फिक्स हो चुका है। अच्छा, अब इसको अपनी मर्ज़ी के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने पोर्ट्रेट मोड में वीडियो शूट करनी है तो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आपने लैंडस्केप में करनी है तो आप इसको इस तरह फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसको कैमरे को नीचे, यहाँ पे कैमरा आ जाएगा, इसको नीचे करना है या ऊपर करना है इसको आप थोड़ा सा फ्री करके इसको ऐसे कर सकते हैं।
अगर आपने कैमरे को घुमाना है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे। इसको लूज़ करने के बाद इस तरह आप अपने कैमरा को घुमा सकते हैं 360 एंगल में किसी भी तरह से, इसको यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसको आप अगर चाहें तो इस तरफ इस रुख कर सकते हैं, इसको ढीला करके। अगर कैमरा टेढ़ा करना है या इस तरह करना है तो आप इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपने इसको बड़ा करना है तो यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं ऐसे घुमा के, और ऐसे छोटा कर सकते हैं। और जो मेन हमारी चीज़ है आज की स्पेशल, वो ये है कि ये रिमोट कंट्रोल का क्या काम है। इसको जैसे ही आप ऑन करते हैं अपने ब्लूटूथ के साथ, अपने कैमरा के साथ अटैच करते हैं या अपने मोबाइल के साथ अटैच करते हैं, खास दफ़ा ऐसा होता है हम फोटो बनाने लगते हैं तो कैमरा जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है, शेक कर जाता है, जिसकी वजह से सही तरह से रिजल्ट नहीं आ पाते। तो ये रिमोट कंट्रोल इसीलिए है कि आप यहाँ पे अपने मोबाइल को या अपने कैमरा को माउंट करें और जाके अपनी सेल्फी लें या अपनी वीडियो बनाएं तो ये बिल्कुल भी शेक नहीं करेगा। इससे जूम भी होगा, इससे जूम जो है पीछे भी आएगा जो प्लस माइनस से। वॉल्यूम भी आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो को भी प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर आप पिक्चर्स भी अपनी ले सकते हैं। ये रिमोट इस काम के लिए। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करेंगे, ये हमें ऑफलाइन मार्केट से 1400 रुपये का मिला। ऑनलाइन मार्केट में इसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, 3000 के करीब है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट से हमें ये 1400 रुपये का मिला। और दूसरी बात ये है कि इसका जो गिव अवे हम कर रहे हैं, आप में से किसी एक लकी विनर को दे रहे हैं। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए। आप में से किसी एक लकी विनर का नाम सेलेक्ट करके हम उसको ये ट्राइपॉड भेज देंगे। कोरियर चार्जेस भी चैनल बर्दाश्त करेगा, आपको बिल्कुल फ्री में अपने डोर स्टेप में ये ट्राइपॉड मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।